काजल आज के जमाने की खुले ख्यालातों वाली लड़की थी, वहीं उसकी सास मिताली पुराने ख्यालातों वाली। एक दिन काजल अपने पति सूरज के पास जाती है और बोलती है, आप तो हमेशा ही अपने काम में बिजी रहते हो, कभी हमें बाहर भी घुमा लाइए। पता नहीं कितने दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए हैं। क्या करूँ यार, बॉस ने इतना सारा काम दे दिया है। जो काम खत्म होने का नाम लेता है तो वो अगले हफ्ते का काम दे देता है, वो काम खत्म होता है तो कोई मीटिंग में भेज देता है, वो काम खत्म होता है तो कोई नया काम पकड़ा देता है। यार मैं तो परेशान हो गया हूँ, और मैं कहीं नहीं जा सकता, और कहीं जाने का सोचूंगा भी ना, बोलूंगा भी तो 10 काम और दे देगा। रहने दो यार, आपका ये हमेशा का ही बहाना रहता है। अब सीधे सीधे बोलिए ना कि आप हमें जानकर बाहर नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि आप एक नंबर के कंजूस हैं। आप सोचते हैं कि अगर आप हमें बाहर लेकर जाएंगे तो आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। यार तुमने ये हमें क्या लगा रखा है, तुम्हारे साथ और कौन घूमने जाना चाहता है? और कौन ही जाएगा, मैं माँ जी की बात कर रही हूँ, बेचारी वो भी घर में ही रहती है, हमारे सहारे वो भी घुमाएंगी। वो भी मुझे काफी टाइम से बोल रही है कि उन्हें वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाना है। यार जाने का मन तो मेरा भी है, और बहुत समय भी हो गया है, और माता रानी के दर्शन वो तो करने के लिए मैं बेताब रहता ही हूँ, लेकिन क्या करे, जब तक माता रानी का बुलावा नहीं आता है ना, हम नहीं जा पाते हैं, और काम भी तो बहुत ज्यादा है यार। काम खत्म हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो समझ लेना माता नहीं चाहती, और माता चाहती हम कभी और जाए, तो इंतजार करना कि माता कब बुलाती है, तब चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है माता रानी हमें जरूर बुलाएंगी। हम सिर्फ दर्शन करने ही नहीं आएंगे, पर वहाँ पर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है, हम वहाँ पर भी घूमने जाएंगे ना। ठीक है जरूर जाएंगे, लेकिन पहले माता रानी के दरबार तो पहुँचने दो। ठीक है, फिर तो ये मैं बात माँ जी को पता कराती हूँ, आपने वैष्णो देवी जाने के लिए हाँ जो कर दी है। अरे रुक जाओ पागल, अरे मुझे ऑफिस में जाने दो, वहाँ जाकर बात करने दो, छुट्टी मिलने दो, उसके बाद कुछ करना प्लान, और माँ को तभी बताना। अभी माँ को बता दोगी और उसके बाद नहीं जा पाएंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा। एक काम करता हूँ, शाम को आकर बताता हूँ क्या अपडेट है। सूरज इतना कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वह जैसे तैसे अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेता है और सभी लोग वैष्णो देवी जाने की तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन सभी लोग वैष्णो देवी जाने के लिए निकल जाते हैं, तभी एक काली बिल्ली उनका रास्ता काट जाती है। तभी काजल की सास मिताली बीच रास्ते में रुक जाती है और बोलती है, लगता है माता रानी ने अभी हमें नहीं बुलाया है, वरना ये काली बिल्ली हमारा रास्ता काट कर नहीं जाती। मुझे लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, हमें वापस घर लौट जाना चाहिए। माँ जी आप भी आज के जमाने में कितने अंधविश्वासी हैं, इतना भी अंधविश्वास करना ठीक नहीं है। अरे बिल्ली है वो तो कहीं से भी निकल सकती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपना बनाया हुआ प्लान कैंसिल कर दें। मैं कोई अंधविश्वासी नहीं हूँ, बल्कि जो सच है वही बोल रही हूँ। काली बिल्ली का रास्ता काटना ठीक नहीं होता है, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। मैं बहुत मुश्किलों से ऑफिस की छुट्टी में लेकर आया हूँ, अगर हम नहीं गए ना तो पता नहीं मुझे आगे छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। माँ जी चलिए ना, क्यों अपने अंधविश्वास के चक्कर में हम लोगों के मजे खराब कर रही हैं। मैंने बोला ना कि मैं नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी, और ना ही तुम लोगों को जाने दूंगी। चलो सब लोग घर के अंदर। माँ जी अगर ऐसी बात है तो मेरी भी यही जिद है कि मैं जरूर जाऊंगी। अगर आपको नहीं जाना है तो आप अपना अंधविश्वास पकड़ कर घर में बैठिए और मत जाइए, लेकिन मैं तो जाऊंगी। ठीक है अगर तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मिताली इतना कहकर अपना सामान लेकर घर वापस चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सूरज और काजल अपने ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से उनके सामने एक ट्रक आ जाता है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों को काफी चोटें आ जाती हैं। सड़क पर चलने वाले आसपास के लोग उन्हें ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं और उनका इलाज शुरू करवाते हैं। कुछ दिनों बाद जब वह ठीक हो जाते हैं तो वापस से अपने घर आते हैं, और उनके वापस आने पर मिताली उनसे पूछती है, अरे तुम दोनों तो 2-3 दिन में ही वापस आ गए, तुम लोगों ने तो बोला था कम से कम 2 हफ्ते की ट्रिप के बाद वापस आओगे। माँ कौन सी ट्रिप, काहे की ट्रिप, अरे जान बच गई वही बहुत बड़ी बात है। आप तो ये सोचो कि आज तो आपने बहू बेटे को खो बैठती, और अभी हमारी फोटो पे ना माल चढ़ा कर ना बैठी होती और आंसू बहा रही होती। शुभ शुभ बोल बेटा, तू ये कैसे बातें कर रहा है। माँ जी सूरज जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहाँ से जाते टाइम ही हमारा एक्सीडेंट हो गया था और हम लोग एक अस्पताल में एडमिट थे। ठीक होते ही हम वापस आ गए, हम कहीं नहीं गए थे। हे भगवान एक्सीडेंट, तुम लोग ठीक तो हो ना, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई तुम्हें? नहीं माँ जी
ज्यादा चोट नहीं आई है, हम लोग तो बिल्कुल ठीक है। हम लोगों को वहाँ के लोगों ने सही टाइम पर अस्पताल पहुँचा दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। देखा बहू, मेरी बात ना मानने का नतीजा, मैंने तुझे कहा था ना कि काली बिल्ली रास्ता काट कर गई है, पक्का कुछ ना कुछ अनहोनी ही हुई होगी, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं मानी और देख लिया क्या हो गया। माँ जी प्लीज, अब आप फिर से अपने अंधविश्वास वाली बातें मत करिए। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था जो शायद हमारी किस्मत में होना ही लिखा था, और हो गया, क्योंकि किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता। काजल सही कह रही है माँ, डोंट वरी यार, ये सब फालतू चीज होती है। चुप कर जोरू के गुलाम, तुझे तो अपनी पत्नी हमेशा सही लगती है, बस माँ ही गलत लगती है। सूरज या काजल कोई भी मिताली की बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उन्हें मिताली की कही सारी बातें अंधविश्वास लगती थी। दिन बीतते चले जाते हैं, तभी एक दिन सूरज ऑफिस से परेशान होकर घर आता है और अपनी माँ से बोलता है। माँ, आजकल ऑफिस में कुछ भी ठीक नहीं है। वो जो मेरा बॉस था ना, जो पहले मेरी बहुत तारीफ किया करता था, हाँ, और अब तो ऐसा लगता है वो मेरी सास बन के बैठा है। इतने ताने देता है, सुनाने का कोई बहाना ही नहीं छोड़ता है। अगर पानी भी ना आए ना ऑफिस में, तो उसका भी बिल मेरे ऊपर फाड़ देता है कि मैंने ज्यादा पानी यूज कर लिया होगा। अरे माँ, मैं ऑफिस में जाता हूँ नहाने थोड़ी जाता हूँ, गलती छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो हमेशा मेरे ऊपर डाल देता है। अरे गलती खुद भी करता है तो कहता है कि तुम्हारे कारण हुआ है। बेटा तू चिंता मत कर, मुझे लगता है जरूर तेरे काम पर किसी ने नजर मारी है, क्योंकि जब तू अच्छा काम करता था तो सभी लोग तेरी बड़ाई करते थे, तो जरूरी नहीं है कि तेरे आसपास वाले सभी तेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं। जिन्हें तेरी तारीफ पसंद नहीं आती होगी, उन्होंने तुझे नजर लगा दी होगी। माँ माँ माँ, मैं क्या करूँ आपका? अरे यहाँ मैं अपनी परेशानी आपको बता रहा हूँ, और आप फिर से आलतू फालतू की बातें कर रही हो। और माँ, किसी का बोलने से कुछ नहीं हो जाता है, हो सकता है मैं ही काम में गलतियाँ करता हूँ, इसीलिए बॉस मुझे सुनाते हैं। छोड़ो आप ये बातें। नहीं बेटा, जिस काम को तू इतने सालों से कर रहा है, उस काम में गलती हो जाए, ये चीज मैं मान ही नहीं सकती। और वैसे भी गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। और मैं तुझे काफी समय से परेशान देख रही हूँ, इसका मतलब ये चीजें और भी कई बार हो चुकी है। हाँ ये तो है, मैं तो अपनी तरफ से पूरा 100% देता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे कोई ना कोई कमी निकल जाती है, काम बिगड़ जाता है। तू चिंता मत कर बेटा, कल अब मैं मंदिर जाऊंगी ना, तो मंदिर में एक बाबा बैठते हैं जो कि लोगों को झाड़ते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, अगर उन्होंने तुझे एक बार झाड़ा लगा दिया तो तेरे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सूरज और मिताली की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी काजल सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद वो उनके पास आती है और अपनी सास से बोलती है। माँ जी, आप तो अंधविश्वास में ही जी रही है, आप सूरज जी के भी दिमाग में ये सब चीजें क्यों डाल रही हैं? आजकल के बाबा सभी धोखेबाज होते हैं, सिर्फ पैसे लेने के लिए ही वो मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, आप लोगों के विश्वास के साथ खेलते हैं। तेरी बात काफी हद तक सही है बहू, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, और आज के जमाने में भी नजर टोट के ये सब चीजें होती है। ये नहीं कहती कि सब चीजों पर विश्वास करो, लेकिन कुछ चीजों पर विश्वास करना चाहिए, और मैं करती हूँ। अब अगर वो चीजें तेरे नजरों में अंधविश्वास है, तो वो तेरे नजरिए का दोष है, ना कि मेरे। माँ जी, आप अपनी बात को किसी भी तरीके से मनाने के लिए सामने रखिए, लेकिन मैं उस बात को अंधविश्वास ही मानूंगी। बहू, वो तो तेरी परेशानी है ना, कि मेरी और तेरे विचारों में बहुत अंतर है। तू अपने विचारों को लेकर संतुष्ट है, और मैं अपने विचारों को लेकर। अपनी बहू से इतना सुनने के बाद मिताली अगले दिन से मंदिर जाती है, और पूजा करके वापस आते समय उस बाबा को साथ लेकर आती है और अपने बेटे को झाड़ा लगवाती है। दिन बीतते जाते हैं, सूरज की लाइफ में आने वाली सारी परेशानियां काफी हद तक खत्म हो जाती है, जिसके बाद ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा ही सूरज और काजल मिताली की बातों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं।